वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मौजूद और समय हो गया, समय क्या हो गया, थोड़ा आगे निकल गए हम लोग डीलिंग रूम चेक का। यतिन क्या कह रहे हैं डीलर्स, कैसा मूड है रूम में? तो आशीष, यस्टरडे के जो पैनिक हुए उसके बाद कहीं ना कहीं आज राहत की सांस है, क्योंकि सुबह से मार्केट काफी स्टेबल है और स्टेबिलिटी मेंटेन किए हुए हैं। दो स्टॉक जहां उनकी नजरें हैं उनमें HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में सुमित ने कुछ टाइम पहले बात की, लेकिन ओवरसोल्ड है IT स्टॉक्स, आज बाउंस दिखा रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि HCL टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा पोजिशनल रह सकता है और इन जनरल IT स्टॉक्स में आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो HCL टेक शायद आपको यहाँ बेटर पोजिशन लगे और यहाँ आप एक पोजिशनल बाय कॉल ले सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी अगर आप देखें तो यहाँ रिडक्शन हुआ, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ आपको BTST ट्रेड लेनी चाहिए। ऑब्वियसली कल नतीजे भी हैं, लेकिन नतीजों के पहले पहले लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है 1330 तक के लेवल्स के लिए, इनिशियल टारगेट्स के लिए डीलिंग रूम्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 3% का इजाफा और यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का काफी बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, तो दोनों ही टाटा कम्युनिकेशंस और HCL टेक्नोलॉजीज पे डीलिंग रूम्स की खरीदारी की सलाह। तो दोनों नंबर्स से पहले ये वो स्टॉक्स हैं जो डीलिंग रूम्स रडार पर रखे हुए हैं, HCL टेक, टाटा कम्युनिकेशन के भी कल नंबर्स आने हैं और उससे पहले डीलिंग रूम्स मानते हैं कि इसमें खरीदारी करी जा सकती है। अरे देवांग सर, ये ACC और माइंडट्री के नंबर्स का रिएक्शन देखिए। माइंडट्री के नंबर्स बताए गए अच्छे नंबर्स हैं, स्टॉक बहुत पिट गया तो कहा गया वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है भाई। ACC के नंबर्स खराब थे, 600 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरे, स्टॉक फट गया, 7% ऊपर आ गया, कहा गया भाई वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव थे। कैसे रीड करा आपने ACC के नंबर्स को? आज अपने साथ पूरे सीमेंट स्पेस को भी तेजी दिखा रहा है। इनके इस समय पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फाइन प्रिंट में लोगों को कम इंटरेस्ट है, थोड़ा कमेंट्री किस तरह की है, मोस्टली लोग ये देख रहे हैं IT सेक्टर में जिस तरह का थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन था, स्ट्रेच वैल्यूएशन था, इस तरह से आपने देखा कि इंफोसिस जैसा स्टॉक भी है, थोड़ा सा मार्जिन स्लिपेज या थोड़ा सा मार्जिन गाइडेंस 1-2% का जो कम करने में आया, तो उसके कारण स्टॉक 7-8% उस दिन गिर गया था और उसके चलते काफी सारे स्टॉक्स जो है, माइंडट्री है, L&T इंफोटेक है, इन सब स्टॉक में भी थोड़े कमजोर नंबर्स के कारण स्टॉक गिरने लगा। नंबर खराब नहीं थे, बट यस एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है लोगों को कि कहीं ना कहीं ये ओवरवैल्यूड हो रहे हैं और या कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन जोन के ऊपर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है लोगों को। और ये जो फॉल है जो काफी स्टॉक्स है, इसका सबसे बड़ा चीज अगर आप नोट करोगे तो जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स थे, आई थिंक ये लास्ट 20-25 दिन में जहां पे करेक्शन आया है वो वही स्टॉक्स है या वही बिजनेसेस है जहां पे लोगों ने लास्ट 2-3 साल में बहुत जम के पैसा कमाया है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट वही है। और सेकंड, ओवर ओनरशिप, FIIs बेच रहे तो FIIs की ओनरशिप कहाँ है? तो IT में है, कुछ बैंक्स में है, कुछ बड़े IT, कुछ मिड कैप IT, वहां पे सेलिंग ज्यादा इंटेंसिफाई हो रही है अगर मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊँ तो। प्लस अगर मैं सीमेंट की बात करूं, आज तो ACC के नंबर ऑफकोर्स थोड़े कमजोर थे, लेकिन लोग आज ये देखना चाहते हैं कि बीच में कुछ समय पहले लास्ट 1-2 महीने में साउथ और नॉर्थ में कुछ पॉकेट्स में काफी हद तक प्राइसेस को बढ़ाया गया था, एक ये रीजन था। सेकेंड, क्लियर दिख रहा है कि रियल एस्टेट साइकिल हैज टर्न ऑन इट्स हेड। रियल एस्टेट अगर आप टाउन्स में देखें या सिटीज में Tier 1, Tier 2 कहीं पे भी देखें तो रियल एस्टेट की, रेसिडेंशियल की एटलीस्ट सेल्स काफी हद तक बढ़ने लगी और इंफ्रा का जो फोकस गवर्नमेंट लेकर आया है, ये दोनों के चलते सीमेंट डिमांड बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगी। यस, 2-3 महीने के बाद मॉनसून पीरियड में थोड़ा लल पीरियड होता है तो तब थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, बट आइडियली मुझे लग रहा है कि ये सीमेंट में कोक प्राइसेस, कोल प्राइसेस, आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस सब हाई है, लेकिन मार्केट ये कुछ हद तक डिस्काउंट कर रहा है कि मे बी दिस इज अ 1-2 क्वार्टर फिनोमिनन। और वैल्यूएशन में जिस तरह से अल्ट्राटेक, ACC, श्री सीमेंट ये करेक्ट हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग ट्रेंड आ रहा है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है या जो स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए वहां।